गुरुवार को पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षा अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में कर्मचारी शिक्षक और अधिकारियों ने कार्य बहिष्कार कर दूसरे दिन भी काली पट्टी बांधकर विरोध किया। पेंशन बहाली की मांग कर रहे शिक्षक अधिकारी और कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पेंशन बहाली नहीं होती है तो आने वाले दिनों में हमारा आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष पेंशन बहाली मंच अश्वनी श्रीवास्तव और महिला शाखा की अध्यक्ष रीमा भारती ने कहा, धन्यवाद साहिब जी। हमारा जो साथी हम इसको स्वागत करते हैं, तो गर्मी है, अगर हम इतनी संख्या में भी मौजूद है तो दबाने की क्षमता रखते हैं। अगर आप धैर्य पूर्वक बैठे हुए हैं, इस धरने की अध्यक्षता कर रहे हमारे पेंशन बहाल करो, पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, हमारे कार्य बहिष्कार का दूसरा दिन है। कल पूरे जनपद के समस्त कार्यालय बंद रहे, जनपद के सारे शिक्षकों ने कहीं पठन पाठन का कार्य नहीं किया, निरंतर रूप से हमारा कार्यक्रम प्रशंसनीय रहा। मैं इस मंच के माध्यम से जिले के समस्त शिक्षकों और कर्मचारियों को बधाई देता हूं। आज दूसरा दिन है, कल हमारा तीसरा दिन रहेगा। मां भारती महिला शाखा की अध्यक्ष, ये हम सब की अभी छोटी ये आवाज़ है और हर राज्य हर देश हर प्रदेश में यही आवाज़ गूंजेगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय राज कर्मचारी संयुक्त परिषद।